Okay, the part 3 video is here. We are asked showing the rasmalai cake, the eggless classic cakes workshop. So how's this cake, guys? और दूसरा चाहिए हमें. मेरी ग्लेज ऑन द स्पॉट होऊन जाईल ना तुका दाखवायची गरज नाही. ओके द इंडक्शन एक्सप्लेन कर तुला. ए सुधा तू एक्सप्लेन कर, मी करते. तो हम आपको मार्केट में कैरामेल सिरप, कैरामेल सॉस, सॉस तो मिलता ही है, बट हम आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखाएंगे कि बढ़िया क्वालिटी का कैरामेल सॉस कैसे बनाते हैं. यहाँ पे लिखा भी है रेसिपी. तो कैरामेल के लिए हम घर की चीनी का इस्तेमाल करेंगे और अमूल फ्रेश क्रीम और वनीला एसेंस. ये तीन इंग्रेडिएंट से बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल और अमेजिंग क्वालिटी का कैरामेल सॉस बनता है. ओके तो कैरामेल केक के लिए कैरामेल सॉस बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे देखिए मैंने पैन गर्म करने के लिए रखा है और ये प्रोफेशनल कैरामेल सॉस की रेसिपी है. ये कैरामेल के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए. एक चाहिए हमें अमूल फ्रेश क्रीम और दूसरा चाहिए हमें घर की चीनी. ओके और वाइट शुगर लेना है, ब्राउन शुगर नहीं लेना है. आप और ये मैंने लिया है शुगर. तो क्वांटिटी ये है उसकी, प्रपोर्शन ये है. अगर हाफ कप आपने शुगर ली तो 1/4 कप आपको लेना है अमूल फ्रेश क्रीम. ओके ये उसका प्रपोर्शन है. तो देखते हैं हम कि शुगर हाफ कप लेते हैं हम. ओके तो पैन को अच्छे से गर्म होने देना है. सबसे पहले हमें गर्म पैन में फिर हमें शुगर ऐड कर देनी है. वैशाली मैम यू आर वन स्टूडेंट आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट. जो मेरे बाकी अब्रॉड के है ना स्टूडेंट्स, मतलब मेरे स्टूडेंट्स बहुत जगह है, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कोई भी ऐसा पूरा रात नहीं देखा है उन्होंने, उन्होंने अगले दिन देखा है. ये देखिए ये अब मैंने हाफ कप शुगर डाल दी है यहाँ पे. ओके तो शुगर जो है पूरी की पूरी यहाँ पे मेल्ट होनी चाहिए. शुगर मेल्ट होने से पहले हमें बिल्कुल भी स्पून अंदर डालना नहीं है. ओके तो शुगर मेल्ट होनी चाहिए यहाँ पे. अगर हाफ कप शुगर है तो 1/4 कप मैं यहाँ पे लूँगी अमूल फ्रेश क्रीम. ओके जितनी शुगर है उससे आधी क्वांटिटी हमें चाहिए क्रीम. कैरेमल पूरा ठंडा होना चाहिए फिर आप केक में उसका यूज़ कर सकते हो. तो ये भी 2:1 का रेशियो है. हाँ गनाश की तरह. पूरी चीनी जो है वो मेल्ट होनी चाहिए, कैरमलाइज होनी चाहिए पूरी शुगर. शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है. स्पून बिल्कुल डालना नहीं है. अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्पून डालते हो तो शुगर पूरी, मतलब ये हो जाएगी, चिपक जाएगी, क्रिस्टल्स बनेंगे उसके और फिर वो मेल्ट नहीं हो पाएगी. ओके तो थोड़ा सा रुकना है,
पूरी शुगर मेल्ट होने तक। ये स्टेज केयरफुल रहना क्योंकि कैरेमल का जो हीट होता है बहुत स्ट्रांग रहता है, इसके बर्न्स बहुत गंदे घिरते हैं स्किन पे अगर घिर गया तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मेकिंग द कैरेमल सॉस। इसको मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, मीडियम फ्लेम रखनी है गैस पे अगर आप कर रहे हो तो। आप ये गैस पे भी बना सकते हैं। हाँ, पेशेंस रखना है। ये देखिए शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। हाँ, आपला सगळा बेसिक केक क्लास आहे ना, आज इझी केक क्लास, बाकी तिन्ही किती खूप ॲडव्हान्स्ड आहे कम्पॅरेटिव्हली। पूरी शुगर मेल्ट होने तक रुकना है हमें। ये देखिए चीनी पूरी मेल्ट हो गई है। ऐसा ये बनना चाहिए, पूरा सॉस बनना चाहिए इसका। ये देखिए पूरी चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ये जो क्रीम है ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा हमें डालना है वेनिला एसेंस। ये देखिए ये सॉस पूरा हमारा रेडी है। ये हो गया हमारा कैरमल, इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डालूंगी। घे ना कुठे ठेवलं मी वनिला? हो तेच सुद्धा। हम कैरमल सॉस में वनिला एसेंस क्यों डालते हैं? कैरमल मतलब वेनिला का ही होता है, कुछ फ्लेवर रहता तो इसलिए वेनिला डालते हैं। अच्छा, बटर स्कॉच भी डाल सकते हो आप अगर आपको पसंद है तो। बटर स्कॉच का भी रहता है कैरमल को, और कैरमेल का एसेंस नहीं आता ना? नहीं, बटर स्कॉच या वैनिला। ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा, कितना स्मूथ बन गया है ये।
अब ये हम निकाल देते हैं बोल में ठंडा होने के लिए। इसको आप स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में, जब भी आपको चाहिए थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लो और यूज़ कर लो। इसे ये कितना दिन रहेगा अच्छा फ्रिज में? ये रहेगा 8-10 दिन तो रहेगा। तो शक्कर 2 times एंड कैरामेल एंड अमूल क्रीम 1 time बराबर सेम गनाश जैसी रेसिपी है। ये हो गया हमारा कैरामेल सॉस। इसका इसको ठंडा होने देते हैं फिर इसको यूज करते हैं। चलो अब तब तक अगला केक ले लेते हैं ये कैरेमल ठंडा होने तक। आपको जो वनीला केक जो सिखाया स्पंज वो 3/4 cup जो मैदा था वो सब व्हिपिंग क्रीम और सब फिनिशिंग लगाने के बाद उसका कन्वर्ट हो जाएगा 1 kilo। रसमलाई 1 kilo जी असनर ओके 1 kilo होना होगा। सो ये 1/2 kilo का केक है और ये 1/2 recipe है जो बटरस्कॉच नहीं हुआ था ये ना बटरस्कॉच बटरस्कॉच आपल्याला क्रश है बटरस्कॉच। आणखीन बटरस्कॉचचे बटरस्कॉचला येलो कलर असतोच ऍक्च्युअली सुद्धा येलो कलर घालतेला व्हाईट असतोच। ओके तो बटरस्कॉच के लिए ये देखो मेरे पास क्या क्या है। ये बटरस्कॉच के ग्रैन्यूल्स है ऐसे मार्केट में मिलते हैं। ओके ये चाहिए हमें डेकोरेशन के लिए और फिलिंग के लिए। और हमारे पास है बटरस्कॉच का क्रश, मालाज का क्रश आता है ये बटरस्कॉच का। क्या कॉस्ट है तो ये अराउंड 150-160 कुछ तो रहेगा शायद। तो ये बटरस्कॉच हम घर में नहीं बना सकते ना? नहीं ना क्रश नहीं बना सकते हम घर में। इसको अच्छा टेस्ट रहता है क्योंकि 160 तक वगैरह रहेगा ये बॉटल, लेकिन ये टिकता है 2-2 साल तक टिकते ये क्रश कुछ नहीं होता उसको। तो इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, येलो कलर रहता है बटरस्कॉच केक को तो थोड़ा लाइट। अच्छा ते तू असं लाइन करणार आहे जसं तू दाखवलं होतं। अंडरस्टूड तो थोड़ा सा मैं येलो कलर ऐड करती हूँ इसमें, लाइट येलो कलर चाहिए हमें जैसे बटरस्कॉच का होता है। ये असं करणार आहे आणि इथे जे कॉर्नरला बटरस्कॉच लावणार आहे ग्रॅन्युअल्स लावणार ना? ओके आपण न्यूजेल पण थोडंसं घालू शकतो वरती टॉपला येलो कलरचं आणि मग त्याच्यावर करू शकतो हे ते मस्त दिसेल। येलो कलरचंच न्यूजेल आहे नाही ना? कलरमध्ये हां न्यूट्रल जेलमध्ये येलो कलर ना फक्त टॉपला द्यायचं ते पण ते आपण मँगोला ब्लूबेरीला करतोय ना ते वेगळं झालं तो इफेक्ट वेगळा झाला। मँगोला न्यूजेल नाही वापरत आहे आपण, मँगोला ग्लेज बनवतोय।
बर आणि याला ब्लूबेरी ब्लूबेरी पण त्याचा इफेक्ट वेगळा असणार ह्याचा इफेक्ट वेगळा असणार ब्लूबेरी वर काय करतोय आपण ब्लूबेरी वर पण जेल घालतोय आपण अजून कुठला केम आहे अच्छा कुकी अँड क्रीम वर जेल नाहीये ना हां मग यावर जेल घालू बटर स्कॉच शाइन फक्त टॉपला आणि कॅरमेल मध्ये पण न्यू जेल नाहीये हां मग इथे घालू नो प्रॉब्लेम ओके क्रश को फ्रिज में नहीं रखते क्रश को बाहर ही रखते हैं रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं इसमें प्रिजर्वेटिव होता है स्वीटेंड होता है तो यू कैन कीप इट आउटसाइड लुक एट द वे शी स्लाइसिंग स्टार्टिंग में सुधा ने आपको थ्रेड के साथ सिखाया मार्क करो और धीरे धीरे स्लाइड करके उसके स्लाइसेस करो ठीक है तीन स्लाइसेस हो गए थोड़ा येलो वाढवायचं का कलर हो खूप फेंट आहे वरती तसं डार्क येईल थोडं न्यू जेलला खालचा एवढं दिसणार नाही पण तरी घालू हो हो चालेल नाउ इट्स मेकिंग सेन्स ओके फीलिंग में हमें क्रश डालना है यहाँ पे हे टॉप लेअरला क्रश येणार आहे ना सगळ्या टॉपला नाही टॉपला नाही क्रश ते कसं करणार आहे मला लाईन कसे पाडणार आहे करते नाही बॅकग्राऊंडला क्रश येऊ शकतं ना टॉप लेअरला असा असा फिनिश येऊ शकतो नाही हेच न्यू जेल घालायचे आपल्याला अशा फिनिशसाठी मग असंच चमकणार येलो न्यू जेल घालून अच्छा वन मोर क्वेश्चन हम लोग ये व्हिपिंग क्रीम में नहीं डाल सकते कैरामेल एक्चुअली व्हिपिंग क्रीम में डालने की वजह से ना व्हिपिंग क्रीम फटती है तो नहीं डालना चाहिए ये खराब दिखता है फिनिशिंग ये देखो ये थोड़े से ग्रैन्यूल्स मुझे डाल देना इसमें दोनों साइड वाटर से सोखना दोनों साइड पानी से सोकिंग देना है उसको फिर उसके बाद हमें यहाँ पे गैप जो है वो फिल करनी है ये देखिए गैप फिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे दो लेयर्स के बीच में जो गैप है वो फिल की मैंने प्लेन नाइफ घुमाया इससे प्लेन फिनिशिंग आया उसके बाद ये क्रीम डालनी है हमें क्रीम डाली मैंने ये फिर से नाइफ घुमाया मैंने साइड से एक्स्ट्रा की क्रीम ऐसे हमें निकाल देनी है ऊपर से फिर से क्रश हे जे कॅरमेल आहे ना हे आपण असं नाही क्रश स्प्रेड करू शकत याला नाही कॅरमेलला कशाला यार क्रशला हां याला नाही तेच तो जो इफेक्ट आहे ना तो न्यू जेल नाही येणार हे नाही येणार ते न्यू जेल आहे क्रश नाही येते ओके न्यू जेल मध्ये आपण कलर घातला ना की मग तो इफेक्ट मग हा असा बेस येणार आणि वरती होतो स्पायडर बनवणार राईट नाईस ग्रॅन्युल्स डालते थोडेसे हे ज्यादा नाही डालले हमे उसके बाद लास्ट लेयर सोकिंग करना है दोनों साइड से
रखा मैंने यहाँ पे, पहले साइड को थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं। ये लगाई क्रीम। देवा सर का बैच है शांत क्यूट देवा सर भगवान कितनी शांत है। ये क्रीम ले ली मैंने ऊपर। नो यू शुड नेवर ऐड शुगर इन द क्रीम, दीज क्रीम्स आर ऑलरेडी स्वीटेंड सो डोंट ऐड, नहीं तो इट विल बिकम वे टू स्वीट। बाहर से अच्छे से कोटिंग देनी है हमें क्रीम की केक को। आजकल ना याचा ट्रेंड खूप चालला आहे भरपूर। त्याला हायड्रेट केक पाहिजे तेवढा मोठा। नाही नाही लहान मध्ये पण सगळीकडे बघ हे ना याचं फॅशन गेलं आहे, हे जे नॉर्मल आहे ना। आयदर आपण खूप बारीक करू एकदम किंवा हा खूप जाड करू। पहिला जाडच करू दुसऱ्याला बारीक झालं। ओके ये हो गया। ये बटर स्कॉच जो क्रश है ना बहुत अच्छा है, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इथे पाक बाकी आहे सुद्धा एकदम इथे फिनिशिंग होईल ना ते त्याच्यामध्येच होणार। ते नको करू ना कुठे ते कर हे झालं ना करून आत्ता त्या केकला हे दिसेल ना छान त्याच्यामध्ये कर कर तोच कर। त्यासाठी हायड्रेट केक पाहिजे। हा बघ याचा ट्रेंड खूप आहे आजकल केक में भी ना, जैसे फॅशन ट्रेंड्स होते हैं ना तो केक में भी बहुत ट्रेंड्स होते हैं। तिसरा अच्छा तिथे आहे। बर 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 काय नाही मिळालं मिळालं याचं कसं होतं छान होतो त्याचा बघू नको मग आपण करू सर तिथे। ये ट्रायंगल्स जो है फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छे है, ये फिनिशिंग अच्छा आता है उससे। अब इस केक को हम टॉप का जो पोर्शन है उसको हम ग्लॉसी इफेक्ट देंगे, ग्लेजी इफेक्ट देंगे। तो उस
इसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रल जेल। ओके, न्यूट्रल जेल बहुत काम की चीज़ है और डेकोरेशन में बहुत जगह पे वो यूज़ होती है, ग्लेज़िंग में वगैरह, तो वो यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ टॉप पोर्शन हम कवर करेंगे न्यूट्रल जेल से। तो ये देखिए, ये ऐसा दिखता है न्यूट्रल जेल, इसमें कोई फ्लेवर नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट जेल और टेस्टलेस होता है ये, स्वीट टेस्ट रहती है उसकी। खूब स्वीट हंसते थे, अंबर गोड। अच्छा, तो ये मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 2 चम्मच ये मैंने लिया यहाँ पे न्यू जेल। ओके, अब इसमें मैंने मुझे ऐड करना है कलर, ये मैंने ऐड किया यहाँ पे कलर। अगर आपने सपोज इसमें इमल्शन डाला किसी भी फ्रूट का तो ये वो वाला ग्लेज हो गया। अब मुझे थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम थोड़ा सा, ये देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पे। तो ये है येलो ग्लेज है ना सुधा? हाँ, तो ये देखिए, ग्लेजचे सगळे प्रकार आहे, ग्लेजचा से क्लास होऊ शकतो यार। ये देखिए, ये बन गया हमारा ग्लेज। तो अब हम डालते हैं यहाँ पे सिर्फ टॉप पोर्शन कवर करना है हमें। ये मैंने पैलेट लिया यहाँ पे और पैलेट से हम इसको स्प्रेड करेंगे। सिर्फ टॉप पोर्शन चाहिए हमें। तो कमर्शियल बेकरीज में जो कमर्शियल शॉप्स वगैरह है उसमें जो शाइन वाले ग्लेज केक्स दिख रहे हैं ना, ये वो चीज़ है। यहाँ पे कैमरा पे आ नहीं रहा है बट ये बहुत ही ग्लो फ्लोरोसेंट येलो कलर है ये। सो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द लाइट मे बी ये फ्लोरोसेंट येलो इज द कलर। आई एम श्योर पाइनएपल केक मध्ये पण हेच करत असतील ना। सगळीकडे आता ग्लेजचा ट्रेंड आहे, ग्लेजर्स। ये देखिए, टॉप पोर्शन हमें पूरा ग्लेज से हमने कवर कर दिया। अब आगे एकदम जैम आणि क्रश असतील दिसतोय। हा जैम क्रश हे सगळं हे रॉ मटेरियलच आहे, त्याचं जेली जैम क्रश त्याच्यामध्ये हेच असतं। ये देखिए, ये हमारे पास गनाश है, हम इसको स्पाइडर नेट का इफेक्ट देंगे हम इस केक को, देखने लायक है स्पाइडर इफेक्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं जरा माइक्रोवेव करती हूँ गनाश को। ये स्टेज पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सुधा, ग्लेज न्यूट्रल जेल के बिना पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, न्यूट्रल जेल ही, सभी ग्लेजेस का बेस न्यूट्रल जेल ही होता है क्योंकि उसके बिना उसको शाइन नहीं होता। अब एक पाइपिंग बैग में डालेंगे हम ये। बहुत ही पतला बनाया है ये, इसके जगह पे मेल्टेड चॉकलेट चलेगा सुधा? नहीं नहीं नहीं,
चॉकलेट बाद में ना फ्रिज होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो कोई भी स्पाइडर इफेक्ट जो बाकी कमर्शियल बेकरीज में दिखाते हैं वो गनाश से ही दिखाते हैं। देखिए क्या करना है हमें, ये सेंटर लिया मैंने, इन आउट है कि नुस्ता आउट आउट है? इन आउट म्हणजे एक असा एक असा कसंही आपल्याला जसं वाटेल तसं करू शकतो आपण। कुठला जास्त छान दिसतो? सगळं एका डायरेक्शनचं छान दिसतो ना। ये देखो ये हो गया। अब ये मैंने एक मिनट हाँ। कसं केलं त्याने फिरवलंय का? एकाच डायरेक्शनचं आहे ते फक्त असं असं केलंय सीम मध्ये ना। इन आउट पण चांगलं दिसतं। हो इन आउट पण छान दिसतंय ते करू मग। पहिला आपण नुसतं आउट आउट करू असा 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 आणि असा असं, मग नंतर आयडिया येईल की मध्ये करायचं कसं करायचं त्यानंतर डिसिशन। ये देखिए क्या करना है हमें, ये मैंने स्कीवर लिया है, ये टूथपिक भी चलेगी, एकदम ऊपर के ऊपर करना है हमें ये। क्रीम को टच नहीं होने देना है। स्पाइडर नेटच आहे हा, स्पाइडर नेटच म्हणतात ह्याला। अच्छा बघता करू कशामध्ये ना, दोन लाईन अजून जाऊ शकतो, जेवढं बारीक तेवढं छान दिसेल, खूप गिचमिड नाही दिसणार ना। नाही नाही छान दिसेल, आउटच करू। ऍक्च्युली हे पण सुंदर दिसतंय माहिती आहे का? अच्छा बोलो स्टूडेंट्स क्या करना है, और एक लाइन करना है कि इसको ऐसे ही छोड़ना है? तो इन करा ची एक लाइन। हाँ चल करूँ टाको जाऊँ दे बगता है। तो अभी आउट टू इन, हाँ छान दिसते हैं। परफेक्ट। बस
ब्यूटिफुल बरं झालं इन आउट केलं. अभी हम साइड में ये लगा लेते हैं उसको. अच्छा नुसतं बॉर्डर लावते खाली मग ते आयसिंग नाही ना. नाही नाही खूप लावलं ना हे खायला चांगलं नाही लागणार मग कचकच लागणार खूप. नुसती लाईन मारते काय करतेस. अच्छा असं करतेस खालचा फक्त कवर करते पोर्शन खाली गेलं खूप वर आलंय ते सुद्धा खाली नाही झाकलं गेलं ते. तू केक बोर्डवर टाक खाली आपण रोल करून चिटकून टाकू. छान आहे केक वाव वेगळा. ओके हाउज दिस केक. आणि क्रीम पण संपून टाकू सुद्धा. ते लास्टला ठेवायचं कुकी आणि क्रीम इझी आहे. तर आता मँगो ब्लूबेरी संपून टाकूया. सिमरन युअर मॉम हॅज डन एनी वर्कशॉप विथ मी आय थिंक शी हॅज आय एम नॉट शुअर. So like I am very proud to say that I have approximately 500 plus students of mine who take baking orders, professional cake baking orders. Perfect, beautiful. Dilaja trikoni ta nako simple ani super sundar chan to chocolate cha khala simula. हे रोज नाही खाली बघ ना नेट. हा नेट आहे बघ ना ड्रिझल मारलाय नेट. हा म्हणजे चेक्स केल्या ते आहे कुठला तरी क्लास रेसिपी मध्ये करता येईल. कशात करतो मँगो करायचं. मँगोला काय करू ग्लेज करू ड्रिप करू ग्लेजनी
आणि ग्लेझ त्याला हे करू नको 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 मँगो आपण तसंच ठेवू क्लासिक डिझाईन देऊ मग हे तर कॅरेमल करू आपण ओरिओला करू मग कॅरेमलने पण करू शकतो आपण तसं ओल्ड फॅशन झालं ऍक्च्युली हा ओल्ड फॅशन झालं है ना अरे हे डोंगरी आणि फिरवलं ट्रायंगल आज डोम नाही आहे आजच्या क्लास ते ऍडव्हान्स क्लास मध्ये डोम शिकवतो आपण आज नकोय डोम जस्ट गाईज जस्ट अ मिनिट गाईज वी आर जस्ट डिस्कसिंग द पॅटर्न नाही एकच सेकंड काही करू शकतो का आपण हे तर चॉकलेट गार्निश आहे ते मध्ये बटरस्कॉच पण ते पॅटर्न खूप सुंदर आहे राहू दे ना मग पॅटर्न साठी तुला काय ठेवायचं असेल नंतर फोटो काढून घ्या मँगोला मँगोला ते काय पायनॅपल आहे हो नको आता हे झालं नाही 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 सो बेसिकली ना केक में बहुत ट्रेंड्स होते हैं तो हम सीजन के हिसाब से सिखाते हैं तो आजकल ना ऐसा गॉडी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा वगैरह वैसा नहीं है तो ये ड्रिप इफेक्ट ये सबको आना ही चाहिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा केक्स को ड्रिप इफेक्ट दिखाना हम आई थिंक एक केक में ऑलरेडी ड्रिप इफेक्ट दिखाया है दूसरे में भी हम ड्रिप दिखाएंगे और सिंपल जो बेसिक ऑल टाइम क्लासिक है ना कि ये चलता ही चलता है तो वो अलग 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 डिज़ाइन हम सोचते हैं ये करें या वो करें जो आप कर सकते हैं ऑर्डर्स के लिए जो अच्छा रहेगा तो वैसे हम डिस्कस कर रहे थे क्या करना है मैंगो हाँ मैंगो करो या अपन मैंगो केक वन मोर फेवरेट केक सबका मैंगो केक तो हम अभी मैंगो केक सिखाएंगे